अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मीसो हॉल। तो अभी तक जो है ना, मैंने अपने जो हॉल में शेयर किया है वो किया है मैंने कुर्तियाँ, सूट, बच्चों के कपड़े। तो अभी तक जो है ना, मैंने यही शॉपिंग की थी तो मैं आप लोग साथ ये शेयर करती थी। तो इस बार मैंने जो है ना, बेडिंग के हिसाब से जो है ना अपनी शॉपिंग की है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब आ गया है मार्च और ईद भी आने वाली है। तो जब ईद आती है तो ईद कुंडे, ये जब त्योहार हमारे स्टार्ट हो जाते हैं तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर शादियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपनी शादी की जो शॉपिंग है ना अभी से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारे मेरे परिवार में कुछ शादियाँ आ रही हैं मेरे ददियाल साइड, तो मुझे उधर जाना है। तो मैंने जो है ना अभी से शॉपिंग कर ली है। तो मैंने कहा चलो आप लोग साथ शेयर भी कर देती हूँ। और इस बार जो है ना, मैंने कुछ अलग लिया है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा मैं सिर्फ गाउन में या फिर सूट में नजर आती हूँ। साड़ियाँ भी मैंने पहनी है, वो भी यहाँ की शादियों में। तो ये तीनों चीजें मैंने पहनी है अक्सर। तो इस बार मैंने पता है क्या लिया है, इस बार मैंने लिए लहंगे, जो कि मैं अपने मार्केट में से नहीं ले पाती, क्योंकि हमारे जो मार्केट में हम लहंगे लेने जाते हैं ना, तो मतलब समझ लीजिए बात बहुत ऊंची पहुंच जाती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी अभी अपनी ननद के लिए लहंगा लिया था, तो वो बहुत हमें महंगा मिला। मैंने उसमें प्राइस नहीं बताई थी, लेकिन है ना, मैंने अपने कमेंट बॉक्स में बताया था, तो मैंने वहां पर 6,000 रुपये बताया था। तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा महंगा भी लगा था और कुछ लोगों को वो झूठ भी लगा था। तो वहां पर मेरी गलती रही कि मैंने आप लोगों को बिल नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने वो जरूरी नहीं समझा था। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको अगर झूठ लग रहा है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना उसका बिल भी दिखा दूंगी कि मैंने ये 6,000 रुपये में ही लिया है, झूठ क्यों बोलूंगी, ठीक है ना। तो चलिए, जिनको झूठ लगा है तो उनको मैं प्रूफ दे भी दूंगी, ऐसी बात नहीं है। जहां इंसान को लगता है तो आप प्रूफ देना भी जरूरी रहता है। तो चलिए वो वाली बात छोड़ते हैं क्योंकि अभी बात लहंगे की चल रही थी तो इसलिए याद आ गया था कमेंट से मुझे। तो काफी लोगों को महंगा लगा। तो हाँ, हमारे यहाँ महंगा ही है, जैसे मैं बोलती हूँ सूट वगैरह भी हमारे यहाँ महंगे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मीशो पे इतनी अच्छी बात यही लगती है मुझे कि यहाँ चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं और पैसे हमें अपने बजट में मिल जाते हैं, मतलब उसकी जो प्राइस रहती है हमारे बजट में रहती है। तो मैंने यहाँ लहंगे देखे, मैं इनकी देखती हूँ, अगर मेरे बजट में लहंगा आ जाता है तो सही रहेगा। लेकिन यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे लहंगे और मतलब बजट में ही और बजट से कम भी आ रहे, मतलब बजट के अंदर ही हमारे मिल जा रहे थे और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। तो इतने तो चलता है, देखो अगर लहंगे जा रहे हैं तो 2-3 हज़ार तो चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे ऊपर हो जाता है तो थोड़ा में लगता है। तो यहाँ पे जो लहंगे हैं ना, इतने कम प्राइस में मिले हमें, इतने और इतने बेहतरीन मिले, और जैसे दिखे थे ना वैसे ही हमें मिले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करती हूँ अपने लहंगे का हॉल, क्योंकि जो आज मैं हॉल जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने इससे पहले नहीं आप लोग साथ शेयर किया था, ये मेरे चैनल पे पहली बार जाएगा लहंगा हॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ मीशो के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मीशो एक रीसेलर ऐप है, भारत का पहला रीसेलर ऐप है, जिसके साथ हम जैसी हाउसवाइफ घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं बिना इन्वेस्ट किए। जी हाँ, तो अगर आपने मीशो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिंक है मीशो ऐप का, तो डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप लोग सोचेंगे इस पे ऑर्डर किस तरीके से करेंगे, तो ऑर्डर करना मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से कि किस तरीके से ऑर्डर करना है। और हाँ, अगर रीसेल कर रहे हो तो आप उसमें अपना मार्जिन किस तरीके से जोड़ोगे वो भी बता रही हूँ इसमें। तो पहले ये क्लिप देख लीजिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्यारे प्यारे लहंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मीशो ऐप का लिंक है वहाँ पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको जब ओपन करोगे उसको तो यहाँ पे देख लीजिए सभी तरह की आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाएंगी और सभी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। बच्चों के कपड़े, लहंगे, सूट, घर का सामान, सारी कैटेगरी की यहाँ पे सामान मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ चूज़ करेंगे और इसको हम ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर कैसे करते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये लहंगा मैंने पसंद किया है, इसको हम जो है ऐड टू कार्ट कर लेंगे। और फिर हम इसमें यहाँ देख लीजिए सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम। तो बस यहाँ पे हम अपना अमाउंट डाल देंगे। अगर हम इसको किसी को रीसेल कर रहे हैं तो इसमें हम अपना मार्जिन जोड़ देंगे, और अगर हम खुद के लिए डाल रहे हैं तो हम वही रेट होगी वही डालेंगे। तो यहाँ मैंने 100 रुपये बढ़ाए हैं। और अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो अपना पता डालेंगे, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका पता डालेंगे, और बस ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो
देख लिया आप लोगों ने किस तरीके से ऑर्डर करना है और अपना जो मार्जिन है वो किस तरीके से जोड़ना है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने लहंगे कैसे मंगाए हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग साथ शेयर करूंगी तीन लहंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट लहंगा है ये मेहरून कलर का है ये लहंगा, और ये है जॉर्जेट का दुपट्टा, सीफोन जॉर्जेट जो रहती है ना सॉफ्ट वाली वो है ये। और ये देख लीजिए लुक, अगर हम इसको है ना पिनअप करके ओढ़ेंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। तो इसमें यहाँ पर ये बॉर्डर दिया गया है पूरा जरी वर्क का, जो जरी का धागे का रहता है ना उसका बॉर्डर पूरा बना हुआ है। ये हमें पूरा चारों तरफ मिलेगा ये, और अर्च बहुत अच्छा है ये देख लीजिए, अच्छे से पिनअप हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आएगा इसका लुक जब हम इसको इस तरीके से लेंगे तो। और इसमें ना बीच बीच में ये इस तरीके की बूटी दी गई है, ये देख लीजिए पूरे दुपट्टे में ना इस तरीके की बूटी दी गई है, ये स्टार लगा है, प्लास्टिक का मोती लगा है और अच्छे से ये टका हुआ है, जैसे आजकल मोती टके हुए आ रहे हैं ना ये पिन से, वैसे ही ये मतलब ये निकलने वाला नहीं है, तो अच्छा पक्का काम किया हुआ है। और ये इसका दुपट्टा है अच्छा हैवी सा, अर्ज बहुत ज्यादा है, अच्छे से पिन हो जाएगा। और इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ पहले मैं, इसके ब्लाउज पर भी जो है ना पूरा काम हो रहा है। तो ये है ब्लाउज के आगे का पूरा जरी वर्क है, इस पे भी ये गला दिया है इसका राउंड, और ये इसकी स्लीव्स आ जाएंगी, हाफ स्लीव्स बनेंगी इसमें से आस्तीन, और इन पे पूरे पर काम है। और पीछे के लिए भी कपड़ा है लेकिन पीछे का जो है ना प्लेन दिया है, पीछे कोई काम नहीं है प्लेन है। और ये साटन का कपड़ा है, साइनिंग से वैसे तो आप समझ ही गए होंगे साटन का है ये। तो ये हो गया ब्लाउज, और इसमें से आराम से ब्लाउज कोटी नीचे तक भी अगर बनाना चाहेंगे ना तो बन जाएगी, ये अच्छी खासी मतलब है। और अब मैं दिखाती हूँ लहंगा, ये है लहंगा इसका पूरा, मतलब जरी वर्क मिलेगा पूरे लहंगे में, और ये बिना सिला हुआ ही मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग के हिसाब से इस पे बस एक सिलाई लगनी है और तैयार है। तो ये है लहंगा, और इसमें जो है ना नीचे इस तरीके का काम है, ये मतलब कट वर्क का ये काम किया गया है, और नीचे इस तरीके ये झालर लगाई गई है डिजाइन, तो ये इस तरीके का डिजाइन आएगा ये, और घेर भी अच्छा है ये देख लीजिए इतना घेर है इसमें, मतलब जैसा उसमें दिखाया गया था वैसा ही है ये, इसके ये जरी का काम हो रहा है पूरा, और साटन के कपड़े पे है ये, और पूरी मतलब कमर से लेके नीचे तक पूरे तक काम किया गया है, कमर पे भी ये कंगूरे की मतलब लेस लगाई गई है, ये इस तरीके का है ये। इसमें जो है ना कैन कैन लगी नहीं आई है, अगर हम इसमें कैन कैन लगा लेंगे ना तो ये और हैवी लगेगा, मतलब अभी तो लग रहा है लेकिन अगर और फूला फूला चाहिए ना तो इसमें कैन कैन लग जाएगी ना तो और अच्छा हैवी लुक आएगा इसका। तो ये हो गया मेरा लहंगा एक, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ दुपट्टा, तो ये है दुपट्टा इसका, तो ये मैंने पीले कलर का लिया है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पीला कलर भी अच्छा लगता है। और ये इसका दुपट्टा है, नेट का पूरा दुपट्टा है इसका, और पूरे में यहाँ पे ये बॉर्डर दिया गया है ये, और ये देख लीजिए इसका लुक ओढ़ने पर। और इसमें भी जो है ना बूटी दी गई है, जैसे कि उसमें दी गई है ना उसी तरीके से इसमें बूटी दी गई है। और इमेज में आपको इसकी प्राइस पता चल जाएगी, वरना मैं स्क्रीन पर जो है ना इसकी प्राइस दे दूंगी तो वहां पे देख लीजिए, ज्यादा प्राइस नहीं है, मार्केट से सही है प्राइस। तो अब मैं दिखाती हूँ ब्लाउज इसका, और इसके जो ब्लाउज में है ना मतलब जो रेड वाला है ना उससे ज्यादा काम इसमें दिया गया है इसके ब्लाउज में, क्योंकि उसमें जो है ना पीछे काम नहीं दिया था लेकिन इसमें जो है ना पीछे काम दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है इसकी आस्तीन, और इसके आस्तीन पे इस तरह की कढ़ाई हो रही है जरी वर्क के, और इधर कुंदन भी लगे हुए हैं,
ठीक है ना। और ये इसका ब्लाउज है, तो ये आगे का हिस्सा दिया है ब्लाउज में और एक आस्तीन दी है और एक ब्लाउज का हिस्सा इसमें दिया है पीछे पीछे का और एक स्लीव्स इसमें दिए। तो ये हो गया ब्लाउज। अब मैं दिखाती हूँ लहंगा जो कि बड़ा प्यारा है। तो ये देख लीजिए हमारा लहंगा। जो कि मार्केट में मिलते हैं ना हैवी हैवी लेंगे उसी तरीके का ये बहुत ही हैवी और बहुत हैवी कढ़ाई, अच्छे से सफाई की कढ़ाई, जैसे कि काम जरी का पूरा काम किया गया है इसमें। ये देख लीजिए पूरा जरी का काम है और इसमें कुंदन लगे हुए हैं और पूरा बॉर्डर है इस तरीके का, ये देख लीजिए। और कैन जो है ना इसमें भी नहीं लगी हुई है। अगर कैन लग जाएंगी ना तो मतलब लहंगे का जो लुक आएगा ना प्रॉपर वही लुक आएगा जो महंगे लहंगों का आता है ना, उस तरीके से। और ये भी बिना सिला हुआ आया है, ये देख लीजिए अंदर अस्तर मिल जाएगा इसके। और ये और इसको भी जो है ना अपनी फिटिंग के हिसाब से मतलब बस एक सिलाई लग जाएगी और तैयार हो जाएगा लहंगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा लहंगा और ये मैंने मंगाया है तीसरा लहंगा जो कि मेरे दुपट्टे में ही मैच हो गया है। तो चलिए इसका भी दुपट्टा ही दिखाते हैं। पहले तो इसका दुपट्टा भी जो है ना नेट का ही मिलेगा ये, और इसमें ये बॉर्डर मिल जाएगा जो लहंगे का डिजाइन है ना, कढ़ाई हो रही है, धागे का काम हो रहा है, उसी का बॉर्डर मिल जाएगा। और इसमें ये प्लास्टिक मिरर मिल जाएंगे, नहीं कांच के मिरर है, रियल मिरर है, प्लास्टिक नहीं है। मुझे लगा प्लास्टिक है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे देख के इतने अच्छे लगे कि मैंने इतनी छानाबीनी नहीं की इसकी। तो ये इसका बॉर्डर मिल जाएगा, ये देख लीजिए पूरे चारों तरफ। और जितने प्राइज में मेरा एक लहंगा आता उतने प्राइज में मेरे तीन लहंगे आए हैं, चार बता रही तीन। और इस बार जो है ना मैंने बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेस है ना मतलब हटके कुछ मतलब मंगाया है, कुछ डेली वेयर की मंगाई क्योंकि मुझे कॉटन के सूट भी पसंद आए थे तो मैंने कॉटन के सूट भी मंगाया। और पर ड्रेस इस बार मैंने कुछ अलग अलग मंगाई है। तो आप लोगों को जो है ना इस मंथ जो है ना मेरे बहुत अच्छे अच्छे हॉल मिलने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये है ब्लाउज, ब्लाउज पर पूरे पे काम मिल रहा है। तो ये आगे का हिस्सा है और ये स्लीव्स के लिए कपड़ा दिया है। तो ये देख लीजिए इधर भी कांच लगे हुए हैं, ये मिरर। तो ये आगे का हिस्सा है और ये इससे हमारा पीछे का पल्ला बन जाएगा। और ये हमें दिया स्लीव्स के लिए कपड़ा, तो इसमें से बनेंगे हमारी शायद इतनी स्लीव्स बनेंगी, हाफ नहीं बनेगी क्योंकि काम अच्छा दिया है, ज्यादा दिया है, ये देख लीजिए। और इसमें भी जो है ना मिरर लगे हुए हैं, तो काफी अच्छा काम दिया है ब्लाउज के लिए भी। अब मैं दिखाती हूँ आपको लहंगा, इस पे भी हमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक काम मिलेगा, ये देख लीजिए। और ये सारे ही लहंगे जो है ना साटन के कपड़े पे काम किए हुए हैं और इस पे पूरे पे धागे का काम किया हुआ है, ये देख लीजिए जो रेशम का धागा रहता है ना उसका काम किया गया है। और अच्छा सफाई का काम है, ऐसा नहीं है कुछ से उधड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने लहंगे इस बेसिक पे मंगाए थे कि अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं रख लूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर मुझे पसंद नहीं आएंगे तो मैं रिटर्न कर दूंगी। क्योंकि यहाँ की जो रिटर्न पॉलिसी है मैं हर बार आपको बताती हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हमें चीज पसंद नहीं आ रही, हमें अगर पसंद आ रही है उसमें और हम मंगा लेते हैं और आने के बाद अगर पसंद नहीं आ रही तो हम रिटर्न कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें चीज मंगा ली तो हमारे पैसे डूब गए। अगर पसंद आए तो रखो, नहीं आए तो रिटर्न कर दो और आपके जो पैसे हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये है मेरे तीनों लहंगे। तो आपको आज की मेरी शॉपिंग कैसी लगी, ये मेरे तीनों लहंगे कैसे लगे, या फिर इनमें से कौन सा लहंगा आपको ज्यादा पसंद आया? तो मेरा अगर फेवरेट बोला जाए तो ये दोनों तीनों ही मैंने अपनी पसंद से ही मंगाए, मुझे तीनों ही पसंद आए और तीनों काम भी पसंद आया है। तो आप लोग बताना कमेंट करके आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनमें से परचेस जरूर कर लेना क्योंकि इतनी कम प्राइस में मुझे नहीं लगता मार्केट में कहीं मिलता हुआ।
तो अगर आप पसंद आए तो इनके सारे कोड जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इनको परचेस कर सकते हैं, और मीशो ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।